तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा हूँ और मैं आपको पॉलिटेक्निक दिल्ली पॉलिटेक्निक का साइंस सब्जेक्ट लूँगा और मेरा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। तो मैं 8 साल से इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, 2014 से। मेरा क्वालिफिकेशन MSc फिज़िक्स और BEd है और मैं आकाश में नीट फैकल्टी की तरह पढ़ा चुका हूँ और स्कूल एक्सपीरियंस भी मेरे को बहुत ईयर्स का है। तो मैं यही सब्जेक्ट आपका लूँगा, साइंस। इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेते हैं पहले अभी कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। और पॉलिटेक्निक के लिए, दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए CET आप देख रहे हैं 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम किस तरीके के अप्रोच रखेंगे ताकि मैक्सिमम हम मार्क्स स्कोर कर सकें मिनिमम टाइम में। अभी अगर आपको पता हो, सिलेबस अवेयर हो, मैं बताता हूँ तो 10th क्लास का साइंस उस लेवल के आसपास का जो है पॉलिटेक्निक का साइंस रहेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस अकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको डेरिवेशन, डेफिनेशन और सारी चीज़ें जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं और अकेडमिक वे में आपको पढ़ना पड़ता है। जबकि पॉलिटेक्निक में अगर हम बात करें तो आपको MCQ सॉल्व करना है। MCQ सॉल्व करने में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी सी ट्रिक्स भी हम बताएंगे ताकि विद इन अ मिनट, यानी लेस देन 1 मिनट में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी और सारी MCQ हैं। तो सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए, साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तरीके की कि आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकें। कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बिना नॉलेज के भी आप चीज़ें एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पहले गलत हो जाते हैं, बचा हुआ 2 उसमें से भी आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉलेज के साथ साथ इस तरह की अप्रोच लेंगे, ट्रिक्स लेंगे, जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप सॉल्व कर सकें। तो पूरा साइंस सब्जेक्ट एक तरह से आता है, जिसके अंदर साइंस सब्जेक्ट में हम फिजिक्स वाला पार्ट लेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, ये साइंस के अंदर जो है हम कवर करेंगे सारी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि आप 10th लेवल पर पढ़ चुके हैं उसी को। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट का। फिजिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, किस तरीके से कवर करने हैं और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को अभी ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, फिजिक्स में आपको, फिजिक्स वाले पार्ट में क्या क्या आपको कवर करना है, तो टोटल जो चैप्टर्स हैं वही हैं जो 10th लेवल के हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। जिसका हम इंट्रोडक्शन आज लेंगे अभी कुछ देर बाद, इलेक्ट्रिसिटी क्या है इस तरीके से। दूसरा मेजर जो चैप्टर है, मेजर पोर्शन है, वो है लाइट। लाइट के अंदर 2 पार्ट्स हैं 10th लेवल आप पॉलिटेक्निक के सिलेबस में, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन। और उसके बाद लाइट का ही दूसरा पार्ट है जिसको हम लाइट 2 भी बोल सकते हैं, या सिलेबस के हिसाब से जाएं तो ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड इसे बोलते हैं। तो ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में जो 10th लेवल पे पढ़ा है हमने वही चीज़ें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच होगी क्योंकि न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा बनते हैं। लाइट के अंदर भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होंगे। बात करते हैं लाइट 2 की, लाइट 2 के अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं बट एक पार्ट आता है ह्यूमन आई, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, यानी कुछ फैक्ट्स अगर हमें याद हो जाएं तो उसी से हमारा काम चल सकता है। ह्यूमन आई के बारे में कितना डायमीटर होता है, रेटिना कहाँ पर होता है, सिलरी मसल्स क्या होते हैं, इस तरीके से चीज़ें। कलरफुल वर्ल्ड के अंदर कुछ फेनोमेना पढ़ेंगे लाइट से रिलेटेड, जैसे डिस्पर्शन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और लाइट 2। उसके बाद जिसके अंदर और थोड़ा से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं होंगे इसमें, वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और इसके बाद एक चैप्टर और आता है हमारे पास, वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें भी न्यूमेरिकल्स कम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो ये ओवरऑल सिलेबस हमने डिस्कस किया 10th आपको फिजिक्स का सिलेबस जो हमने ओवरऑल डिस्कस किया, ये आपके सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट,
लाइट टू या ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये ओवरऑल ये सिलेबस है हमारा पॉलिटेक्निक का फिजिक्स वाले पार्ट का। तो कैसे कवर करेंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल समझेंगे टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है। अप्रोच हमारी एमसीक्यू बेस्ड होगी, क्या कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ चीज़ें नॉलेज से करेंगे, कुछ चीज़ें एलिमिनेशन से भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरे सिलेबस का। इस पार्ट में सिर्फ फिजिक्स का एक टॉपिक लेंगे, तो फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी भी लेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस अप्रोच से पढ़ेंगे। तो देखें, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम स्टार्ट करें, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर ओवरऑल बताएं तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट होगा चार्ज से, सबसे पहला टॉपिक होगा चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है, ये बेस होता है इस चैप्टर का। कुछ न्यूमेरिकल इस पर भी बनेंगे और इजी लेवल के न्यूमेरिकल बनेंगे पॉलिटेक्निक में। इसमें इलेक्ट्रिक करंट या करंट दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक होगा पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिक है ये, तो वो इलेक्ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आएगा ओम्स लॉ। सारे न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है ये। ओम्स लॉ के बाद आएंगे रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर का आएगा कॉम्बिनेशन यानी सीरीज और पैरेलल। देखेंगे सीरीज पैरेलल में क्या क्या जो है क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह के उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट। तो ये सिलेबस आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का यानी फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग देखेंगे, क्या क्या हमें जो है टॉपिक्स कवर करने हैं। ये सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आज की क्लास में। क्या लेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। तो बेसिक समझेंगे, चार्ज क्या है, करंट क्या है, किस तरह का न्यूमेरिकल इस पर बन सकता है, इनकी क्या क्या यूनिट्स हैं, क्योंकि यूनिट्स पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे देखते हैं अभी हम, ये ओवरऑल सिलेबस है। चार्ज से स्टार्ट करते हैं फिर करंट देखते हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो देखें चार्ज से अगर बात करें, चार्ज क्या है, देखिए चार्ज की डेफिनेशन अलग से मुझे बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन हम एकेडमिक्स में लिखेंगे। यहां बस समझेंगे चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं क्वेश्चन बेस पे। तो देखिए चार्ज क्या है, बेसिकली चार्ज प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से या तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगें या वो किसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, या मैग्नेटिक फोर्स लगे या मैग्नेटिक फोर्स लगाए, या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस किसी को वो करे या वो इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस हो जाए किसी से, या वो मैग्नेटिकली किसी को इन्फ्लुएंस करे और वो मैग्नेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और एक दूसरा चार्ज है नेगेटिव। अभी दो पोलैरिटी में चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़ है, हमें पता होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है, तो पॉजिटिव पे चार्ज होने की वजह से वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है, तो इस पे चार्ज होने की वजह से वो दूसरे को अपनी तरफ ला रहा है। और दूसरी बात, इस पे खुद पे चार्ज है, ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पे खुद पे चार्ज है जिसकी वजह से दूसरा इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस दूसरे को वो कर भी रहा है और इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस वो हो भी रहा है, तो ये चार्ज का मतलब है, बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान दें जिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं, तो प्रॉपर्टी पहली तो जैसे कि यहां पे क्लियर ही है आपको, दो पोलैरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी यानी प्लस क्यू कह सकते हो और नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव क्यू। तो दो तरह के चार्ज होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसका नाम दिया है। जैसे मैग्नेटिक मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस तरीके से नॉर्थ पोल को आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज समझ सकते हैं, साउथ पोल को आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज समझ सकते हैं। ये पोलैरिटीज, तो दो पोलैरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे कि बताया लाइक क्या करेगा, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल रिपेल, ये दूर जाएगा चार्ज, दूर जाएंगे रिपेल।
नेगेटिव नेगेटिव ये भी लाइक है, रिपल रिपल यानी कि दूर जाएंगे, और अगर अपोजिट पोलैरिटी है यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्ट होंगे पास आएंगे, अट्रैक्ट मतलब पास आ रहे हैं, रिपल मतलब दूर जा रहे हैं, फोर्स बराबर लगाएंगे। अगर ये एफ फोर्स इस पर लगा रहा है तो ये भी इस पर एफ फोर्स लगाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर है एफ एफ, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि दो पोलैरिटी में एग्जिस्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं चार्ज के बारे में। और एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, एडिटिव इन नेचर होते हैं। अभी ये एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब है, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको, एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेते हैं या एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इस जगह पे इस कंटेनर में कुछ चार्जेस जो हैं वो रखे हुए हैं, सपोज ये चार्जेस है, और हमसे पूछा जाए फाइंड नेट चार्ज या टोटल चार्ज इनसाइड द एनक्लोजर, इस एनक्लोजर के अंदर, इसके अंदर कितना नेट चार्ज है वो अगर हमें बताना हो, और हमें चार्ज जो है वो ऑप्शंस दे दिए हों, इस तरीके से, तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम यहाँ समझ सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जितने भी चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं सबको ऐड कर देंगे। सोचना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव सब ऐड होगा एक साथ, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, जैसे कि दिख रहा है हमें प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस टेन माइनस थ्री प्लस सेवन, तो प्लस सेवन जो है वो टोटल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा प्लस सेवन, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, ओके एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो सबकी हम लिख के देखेंगे। एसआई सिस्टम होता है हमारे पास फिजिक्स में, तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स होती है उसी को हम वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं। तो एसआई यूनिट सबका लिख के मैं बताऊंगा, एसआई यूनिट उसका होता है कूलम, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे कूलम सी। तो और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि पता ही लग रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसकी फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन होती नहीं है, पोलैरिटीज हैं पॉजिटिव नेगेटिव दो, पर अगर टोटल चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है उसको बिना सोचे, ठीक है। तो समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें, चार्ज होता क्या है वो हमने डिस्कस किया, बेसिकली पहले सिलेबस डिस्कस किया, ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया, चार्ज डिस्कस किया, चार्ज क्या होता है प्रॉपर्टीज़ देखी, और एडिटिव नेचर समझा क्या होता है इस जो है न्यूमेरिकल से, ऐसा यूनिट समझ में आई कूलम होती है। अब एक बात और आगे बढ़ते हैं, अभी जो कूलम है ऐसा यूनिट जो मैंने बताई वो एक लार्ज क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, तो रेगुलर जो डीलिंग्स होती हैं उसमें चार्ज कभी भी कूलम में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। अभी चार्ज जब कूलम में ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है, तो कुछ छोटी क्वांटिटी उसके लिए डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रिफिक्स लेते हैं इस तरीके से जिससे कूलम को हम लेस क्वांटिटी वाला जो रेगुलर चार्जेस जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो मेजर कर पाएँ। तो क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं प्रिफिक्स, वो सिर्फ कूलम में नहीं लेंगे, वो फिजिक्स में किसी भी यूनिट में लेंगे, देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सपोज स्मॉल चार्जेस हमें अगर डिनोट करने हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे वन मिली कूलम, स्मॉल एम सी, ये मिली है, अब मिली जब जैसी चीज़ें आती हैं तो 10^-3 आप वहाँ पे लगा देंगे, ये एम लगते ही मिली, 10^-3, 10^-3, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में भी कि 1 mm 10^-3 मीटर होता है, या इसको उल्टी तरीके से कहें तो 1 मीटर में 10^3 मिलीमीटर होगा। 10^3 क्या है, आसान भाषा में कहें तो 1000 है वो, 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा, ये हमें पता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 है ना, 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, 1/10^3 यानी 10^-3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसी मिली कहीं पे भी आता है, अभी तक आपने पढ़ा मिलीमीटर,
तो मिलीमीटर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटर के साथ ही मिली लगता है, मिली कोलम भी होता है। अभी आगे एम्पेयर पढ़ाएंगे तो मिली एम्पेयर, मिली वोल्ट और कोई भी यूनिट के आगे मिली हेनरी लगा सकते हैं। सपोज अब मैं आपसे इससे और छोटी यूनिट पे जाऊं तो माइक्रो कूलम, ये जो यू को पीछे खींचा है इसे माइक्रो बोल रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो कूलम। अभी माइक्रो कूलम में क्या लगाते हैं, 10^-6, ये और छोटा है, 10^-6 जो है वो और छोटा है। आगे देखें 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, तो नैनो कूलम क्या है, ठीक है, तो नैनो कूलम क्या है, नैनो उससे भी छोटा है, नैनो और छोटी क्वांटिटी है, नैनो में 10^-9 प्रीफिक्स है, बेसिकली यूनिट्स के पीछे लगेगा, 10^-9 की रेंज में आ जाएगा। देखिए माइनस है ये, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, अगर कोई सोचे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है, +3, +6, +9 नहीं है, -3, -6 और -9 है, यानी छोटी क्वांटिटी हो रही है ये। अगर और आगे बढ़े तो पिको, यहाँ तक जाएगा नहीं बट मैंने बता दिया, तो पिको 10^-12 कूलम करके देखेंगे, 1/10^12 आ जाएगा, 0.00011 × 1 कूलम, इस तरीके से ये छोटा हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, कभी भी क्वांटिटी अगर छोटी दी हो कि एक माइक्रो कूलम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें पहले पता होना चाहिए माइक्रो कूलम में कितना कूलम जो है वो होगा। तो इस तरीके से हमें ये सारी क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। अब यही क्वांटिटीज़ आगे, ये चीज़ें आगे मिली एम्पेयर भी बन जाएंगी, मिली वोल्ट भी बन जाएंगी, माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो वोल्ट भी जो है वो बन जाएंगी आगे जाके ये, ठीक है। तो बेसिक आइडिया लगा हमें चार्ज के बारे में। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी अभी करते हैं बस चार्ज की, वो क्या है वो देखते हैं। तो चार्ज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, न्यूमेरिकल्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। पहले तो समझते हैं इसका मतलब है क्या। देखिए सपोज दो बॉडी को रब किया तो चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन से, ठीक है। पेयर सर्टेन होते हैं, डिफाइन करने पड़ते हैं, पर आप ये समझ लें कि दो बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। दोनों अनचार्ज बॉडी को रब करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाती हैं। अब वो चार्ज हो रही है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर कौन घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहने का मतलब क्या है, सपोज ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, इनको रब किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इधर आ गए इस बॉडी से। अभी ए बॉडी से निकलकर बी बॉडी में आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ए बॉडी से निकलकर आए, नेगेटिव चार्ज थे, वो इलेक्ट्रॉन बी में चले गए, अभी बी में चले गए तो बी नेगेटिव हो जाएगा, यानी बी पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ए से नेगेटिव निकल गया, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर ए पे 10 कूलम पॉजिटिव में चार्ज आए, सपोज +10 कूलम पॉजिटिव में चार्ज आया है, तो ये -10 कूलम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज जो है बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है अनचार्ज बॉडी। अभी दूसरी बात, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटा मतलब पैकेट, ये क्वांटाइजेशन वर्ड आ रहा है क्वांटा से, ठीक है, क्वांटा मतलब पैकेट। अभी पैकेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि चार्ज ट्रांसफर होता है पैकेट की फॉर्म में, और जो पैकेट है ना वो इलेक्ट्रॉन है। तो आसान भाषा में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये लॉ बस इतना बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 12 जाएगा, या 9 जाएगा, या 8 जाएगा, 7 जाएगा, 8.5, 1.5, 2.5, 3.5, 3.5, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन या तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं सिंपल। और पैकेट जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई को जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम्स। अब ये चीज़ हमें होनी चाहिए याद, ठीक है, कि ई का, ई पे जो चार्ज है वो इतना होता है, ये हमें याद होना चाहिए। अब क्वांटाइजेशन का अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूँ कि क्वांटाइजेशन बोल क्या रहा है, एक्सप्रेशन क्या है उसका, तो वो कहता है Q=NE। क्यू क्या है, बॉडी पे टोटल चार्ज, बॉडी पे 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम या जो भी चार्ज आया, तो ये टोटल चार्ज है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए,
अरे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके तो क्यू एन ई क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है भाई टोटल चार्ज है, अगर 10 कूलम है, 5 कूलम है, 15 कूलम है या जो भी है, तो वो कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो N1, दो हुए तो दो, 100 हुए तो 100, डेढ़ ढाई साढ़े तीन पौने चार नहीं होंगे, बस ये लॉ ये बताता है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, बहुत न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं, देख लेते हैं। एक बात यहां से ये समझ में आती है कि जो ये N है ये इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी हो सकता है अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर तो टोटल चार्ज जीरो होगा, पर 1, 2, 3, 4 होगा, डेढ़ ढाई साढ़े तीन पौने चार जो है वो नहीं होगा, ये कहने का मतलब है यहां से। ओके, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इस पे। सपोज आपको क्या दिया हुआ है, 8×10⁻²० कूलम दिख रहा है, बोल रहे हैं क्या ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे। अभी देखने में लग रहा है चार्ज हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, देखने में तो ऐसी लग रहा है हाँ हो सकता है, इसमें क्या है करके देखते हैं, क्वांटाइजेशन इसको अलाउ कर रहा है कि नहीं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो भी बताया वो अलाउ कर रहा है। आओ देखें, तो क्यू होता है एनी, यानी एन होता है क्यू बाई ई, क्यू दिया हुआ है 8×10⁻², ये कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.8×10⁻¹⁹, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखें नीचे पॉइंट ले जाके, या ऐसे लिखें बात वही एक ही है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो 8 ऊपर नीचे 16, यानी कितना आ रहा है हाफ, हाफ यानी 0.5। अभी n जो है वो आ रहा है 0.5, इंटीजर थोड़ी आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है, ना 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है, आधा आ रहा है। तो एक बॉडी से क्या दूसरी बॉडी पे क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आधा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसी को तो क्वांटाइजेशन बोल रहे हैं हम। तो जब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो यानी कि ये जो चार्ज है देखने में लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, बट ये किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल जो है वो नहीं है, क्वांटाइजेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो इतने टॉपिक्स आज कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में। एक बार रिव्यू लेते हैं क्या क्या हमने जो है कवर किया है। बेसिक सिलेबस देगा हमने पॉलिटेक्निक का, पूरा साइंस सब्जेक्ट एक रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का पार्ट देगा हमने सिलेबस क्या है, 10th लेवल का ही सिलेबस है, बट उसको किस फॉर्म में करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसे मैंने कराया, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा वो एक अलग चीज़ है, जैसा मैंने बताया वो पॉलिटेक्निक में मैं कराऊंगा। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करके सारे न्यूमेरिकल इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, फिजिक्स का पार्ट देख के हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक देख लिए एक बारी, और सिर्फ आज हमने चार्ज डिस्कस किया, चार्ज क्या है, चार्ज का डेफिनेशन नहीं लिखा है जैसे कि स्कूल में लिखते हैं आप लोग, चार्ज का सिर्फ हमने क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज़ लिखा है, प्रॉपर्टीज़ पे न्यूमेरिकल करके देखें, क्वांटाइजेशन पे न्यूमेरिकल करके देखें, और यूनिट्स देखिए, एसआई यूनिट के पीछे प्रीफिक्स देखें जो हर चैप्टर में यूज़ होंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।